काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब भी हम हेयर फॉल या हेयर लॉस की बात करते हैं तो हम मल्टी विटामिन से बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, और आइडली ये एक सही कंडीशन है कि आप सबसे पहले मल्टी विटामिन का सपोर्ट अपने ट्रीटमेंट में ऐड करें, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट आपके बालों को ज़रूरत है, डेफिशिएंसीज जो आपकी हो रही हैं आपके बॉडी में जिसकी वजह से आपके बाल कमज़ोर हो रहे हैं, टूट रहे हैं, उसको पूरा करना ज़रूरी है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि जो मल्टी विटामिन वो अपनी डेली लाइफ में खाते हैं एनर्जी के लिए, या बूस्टर्स हैं, या आप जिम जाते हो और जिम में वहाँ पे आपको एक मल्टी विटामिन ज़रूर आपके ट्रेनर्स बोलते हैं कि आप लो, तो उससे हमारा हेयर फॉल रुक जाएगा और वो हमारे नॉर्मल उसके लिए हेयर के लिए ग्रोथ के लिए भी अच्छा काम करेंगे। तो वो चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जब भी आप हेयर के लिए बात करेंगे तो आपको मल्टी विटामिन में कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, जिन्हें हम कहते हैं हेयर स्पेसिफिक मल्टी विटामिन। तो जब हम अगर हेयर के लिए मल्टी विटामिन की बात करेंगे तो उसमें क्या क्या होना बहुत ज़रूरी है और अच्छी क्वांटिटी में, जैसे कि उसमें बायोटिन होना चाहिए, उसमें जिंक होना चाहिए, उसमें आयरन, मैग्नीशियम। जब अगर आप विटामिन की बात करें तो उसमें विटामिन ए होना चाहिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, विटामिन सी, डी, ई, और इसके साथ अगर उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हों और साथ में आपका नियासिनामाइड हो, तो ये सारे मल्टी विटामिन मिलकर एक आपके रूट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपके बालों का टेक्स्चर बेटर करते हैं, आपके बालों को झड़ने से रोकते हैं, और साथ में जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो आजकल हम देखते हैं कि प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर हो रहा है, जिसकी वजह से हम काफ़ी परेशान रहते हैं क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा सोल्यूशंस नहीं है, तो डेफिनेटली उस केस में आपके मल्टी विटामिन आपके बालों को ग्रे होने से रोकेंगे और उनका कलर रिटेन करने में आपको ज़्यादा मदद करेंगे। तो एक अच्छा मल्टी विटामिन चुनना बहुत ज़रूरी है, तो उसका कॉम्पोजिशन सही से पढ़कर उसको ही अपने बालों के लिए इस्तेमाल करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल DMC Trichology को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपके हेयर लॉस या हेयर फॉल रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।